हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M20। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन के बहुत ही अमेजिंग फीचर्स की, जिनको यूज़ करके आप इस फ़ोन को और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लगभग 30 से भी ज़्यादा फीचर्स की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये फ़ोन फीचर्स के मामले में किसी भी तरीके से MI या ओनर के फ़ोन से पीछे नहीं रहता है। वो सब फीचर्स जो आपको उन फोन्स में MIUI या EMUI में देखने के लिए मिलते हैं, वो सब फीचर्स आपको इस फोन में One UI के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वो सब फीचर्स आपको इस फोन में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, किस तरीके से आप उन फीचर्स को यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी से हम शुरू को शुरू करते हैं। इस लाल बटन को दबाएं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स की, उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जो भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद UI रिलेटेड कुछ फीचर्स की हम बात करेंगे, और लास्ट में हम कैमरा के बड़े ही अमेजिंग फीचर्स की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये सब फीचर्स जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप 50 रुपीज़ पेटीएम भी जीत सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली कितने फीचर्स की मैंने बात की है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग 30 हैं, तो एग्जैक्टली 31 है या 32 है या 29 है या 28 है, ये काउंट करके आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। और जो भी लोग इस क्वेश्चन का सही से जवाब देंगे, उसमें से मैं रैंडमली किसी एक व्यूअर को पिक कर लूंगा, किसी एक कमेंट करने वाले को पिक करूंगा, और उसको 50 रुपीज़ पेटीएम में यहाँ पर गिफ्ट कर दूंगा, या फिर आप इसको गिव अवे समझ सकते हैं, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले फीचर की मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, जो है इस फोन में डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का। मैं आपको बता दूं कि इस फोन में आप नेटिव वीडियो कॉलिंग को यूज़ कर सकते हैं। आपको डायलर में जस्ट कोई भी नंबर ऐसे ही डायल कर देना है, उसके बाद जिस भी नंबर पर मतलब बेसिकली आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, इस बटन को प्रेस करके आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, और इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। आपको उस कॉन्टैक्ट को इवन सेव करने की भी अपने फ़ोन में ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि सैमसंग के फ़ोन्स में मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, कॉल्स को रिकॉर्ड करने के लिए वो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करते रहते हैं। और मैं देखता हूं फ्रेंड्स कि जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आपको बहुत सारी एड्स देखने के लिए मिलती हैं। इस फोन में आपको इंटरनली कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको जाना है यहाँ पर डायलर के अंदर, यहाँ पर सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कॉल्स के अंदर चले जाना है, और यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कॉल्स को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ को छोड़ना चाहते हैं, तो आप सेलेक्टेड नंबर्स की कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये दो फीचर्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपको बताने, जो मैंने आपको सबसे पहले बताए हैं। इसके बाद हम सेटिंग्स में चलते हैं और कुछ अमेजिंग फीचर्स की बात करते हैं, जिसको यूज़ करके बड़े ही अमेजिंग तरीके से आप फोन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है साउंड्स एंड वाइब्रेशन में फ्रेंड्स। वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पर आपको वाइब्रेशन पैटर्न को सेलेक्ट करने की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अब यहां पर इस वीडियो में आपको फील तो नहीं करवा पाऊंगा कि किस तरीके का ये वाइब्रेशन पैटर्न है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जिस तरीके से वाइब्रेशन होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं। हार्ट बीट मोड में आप सेट कर सकते हैं, बेसिक कॉल या टिकटॉक, ज़िगज़ैग, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इस चीज़ को आपको अपने फ़ोन में यूज़ करके देखना होगा, ताकि आपको पता चले कि एक्जैक्टली इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको ईयरफोन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। बेसिकली डॉल्बी एटमॉस को यूज़ करके आप अपने ईयरफोन्स की क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो साउंड आप सुन रहे हैं उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप वापस चले जाएंगे फ्रेंड्स, आपको जाना है इसके बाद नोटिफिकेशंस के अंदर आपको यहाँ पर एक आइकन बैजेस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब जनरली जो भी आप स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन भी देखेंगे, उसमें भी आपको ये बैजेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसी के साथ आप चूज कर सकते हैं कि जो जितनी नोटिफिकेशंस आपके ऐप में है वो नंबर आपको शो करे या नहीं। इसके बाद अगर आप यहाँ से वापस चल जाएंगे और जाएंगे डिस्प्ले के अंदर फोन्स एंड स्क्रीन जूम के अंदर आपको जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक बड़ा ही अमेजिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फोन्स के रिलेटेड। जनरली आपको किसी भी फोन में डिस्प्ले जूम करने की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, या फिर फॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा करने की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, लेकिन फॉन्ट्स को चेंज करने की ऑप्शन, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने की ऑप्शन बहुत ही कम फोन्स में देखने के लिए मिलती है, जो कि यहां पर आपको इंटरनली देखने के लिए मिल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 5-6 ऑप्शन हैं जो कि आपको इंटरनली देखने के लिए मिल रही है। उसके अलावा भी अगर आप कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने फोन के फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए। तो यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है।
इसके बाद अगर आप यहाँ से वापस चल जाएंगे, आपको जाना है होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर तो आपको फ्रेंड्स बड़ी ही अमेजिंग ऑप्शंस देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है होम स्क्रीन लेआउट। अब जनरली अगर आप आजकल देखेंगे सारे फोन्स में आपको ड्रॉर की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। ड्रॉर मेरा मतलब है यहाँ से जो ऐप ड्रॉर होता है, ये ऑप्शन अब आपको हर फोन में देखने के लिए नहीं मिलती है। जनरली आपको होम स्क्रीन पर ही सारी एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है। अगर आप यही चीज़ इस फोन में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट कर देना है होम स्क्रीन ओनली, उसके बाद आपकी सारी एप्लीकेशंस आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगी। हालांकि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसी को चूज करके रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ग्रिड साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ग्रिड साइज का क्या मतलब है कि होम स्क्रीन पर या आपकी जो ऐप ड्रॉर वाली स्क्रीन है वहां पर एक स्क्रीन में कितने आइकन आते हैं, 4x4 आते हैं, 4x5 आते हैं, 4x6 आते हैं, 5x6, 6x6, ये सब चीजें आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आप होम ग्रिड में जाएंगे तो यहां पर आप 4x5, 4x6, 5x5 और 5x6 में से चूज कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको एक क्विक ओपन नोटिफिकेशन पैनल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ये चीज क्या है मैं आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स अगर आप यहां पर होम पे जाएंगे, आप यहां पर चाहे नीचे स्वाइप कीजिए या फिर ऊपर स्वाइप कीजिए, दोनों ही तरफ आपको ऐप ड्रॉर देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन को इनेबल करने से क्या होता है। होम स्क्रीन के अंदर अगर आप क्विक ओपन नोटिफिकेशंस पैनल को इनेबल करेंगे, अब अगर आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस पैनल देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि नीचे की तरफ स्वाइप करने से नोटिफिकेशंस पैनल आ जाए, ऊपर की तरफ स्वाइप करने से अगेन आपका ऐप ड्रॉर आ जाए, उस चीज़ को इनेबल करने के लिए आपको जस्ट होम स्क्रीन के अंदर इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है जो कि है क्विक ओपन नोटिफिकेशंस पैनल। उसी के साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ऑटो रोटेशन को ऑन कर देंगे उसके बाद डेस्कटॉप मोड में आप अपने फोन को यूज करने की कोशिश करोगे तो आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, जाना है सेटिंग्स के अंदर, अगेन आपको डिस्प्ले के अंदर होम स्क्रीन के अंदर जाना है। यहां पर आपको पोर्ट्रेट मोड ओनली को डिसेबल कर देना है जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे फ्रेंड्स, दोबारा आप अपनी होम स्क्रीन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे अब आपका फोन डेस्कटॉप मोड में यूज हो सकता है। अपनी होम स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हैं। अब यहां पर होम स्क्रीन के अंदर जो बेस्ट फीचर आपको देखने के लिए मिलता है और हो सकता है आपको इस वीडियो का एक बेस्ट फीचर लगे, वो है यहाँ पर हाइड एप्लीकेशंस का। काफ़ी सारे लोगों को रहता है कि कुछ एप्लीकेशंस हाइड करनी है और उसके लिए काफ़ी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जाना है होम स्क्रीन के अंदर हाइड ऐप्स के अंदर। यहाँ पर आप किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको हाइड करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है वो आपके ऐप ड्रॉर में से हाइड हो जाएगी, वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको यूज़ करके होगा क्या, जनरली अगर आप YouTube चलाएंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो नोच वाला एरिया है उसमें आपकी वीडियोस प्ले नहीं होती हैं। उसको अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, फुल स्क्रीन ऐप्स के अंदर आके यहाँ से YouTube को इनेबल कर देना है। मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। इसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ वाला एरिया है, नोच के साइड वाला एरिया, वहाँ भी यूट्यूब की वीडियोज प्ले होंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो काफ़ी सारे लोगों को यूज़ करना होगा और किसी भी एप्लीकेशन के लिए बेसिकली अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से यहाँ से जस्ट इसको इनेबल करके। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है फ्रेंड्स। उसी के साथ यहां पर अगर आप बैटरी परसेंटेज को स्टेटस बार में इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड ही रहता है, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं स्टेटस बार के अंदर से। उसी के साथ यहां पर नेविगेशन बार के अंदर अगर आप चले जाएंगे फ्रेंड्स, यहां पर इस फोन का मेरे हिसाब से बेस्ट फीचर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि है फुल स्क्रीन जेस्चर्स। अब सैमसंग के फोन में ऐसी इनोवेशंस देखना मेरे लिए कॉमन नहीं है क्योंकि मैं पहली बार सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि सैमसंग के फोन के अंदर आपको इतने अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फुल स्क्रीन जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं बड़े ही आसानी से और जेस्चर्स के हिंट्स अगर आप चाहते हैं तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद अगेन बटन्स वहीं पर हैं, बस आपको नीचे से स्वाइप करना है, बैक के लिए यहाँ से, होम के लिए यहाँ से और रिसेंट्स के लिए यहाँ से। इस तरीके से आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से बड़े ही अच्छे जेस्चर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इवन अगर आप बटन्स को ही यूज़ करते हैं तो बटन्स का ऑर्डर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स एंड थीम्स की ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाती है। अभी के लिए मैंने फ़ोन पर वाईफाई और डाटा दोनों चीज़ें ऑफ कर रखी हैं, लेकिन अगर आप वाईफाई या डाटा इस फोन में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे वॉलपेपर्स डाउनलोड करने की ऑप्शन देखने के लिए मिलती है। अगर आप देखेंगे यहां पर फोन के अंदर तो थोड़े से लिमिटेड से वॉलपेपर्स हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरनेट पर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो काफी सारे वॉलपेपर्स एचडी में आप डाउनलोड कर पाएंगे इस ऑप्शन के अंदर से डायरेक्टली। उसी के साथ थीम्स का भी सेम ही है फ्रेंड्स, इंस्टॉल आपको सिर्फ एक देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर आप डाटा पर कनेक्ट हो जाएंगे यहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ थीम्स देखने के लिए मिलेंगी, जिसके में से आप कोई भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अच्छा लगती है वो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आइकन्स की एक ऑप्शन है, आइकन्स का पैक भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप थीम्स के अंदर से कर सकते हैं। तो थीम्स की ऑप्शन आपको इस फोन में इंटरनली देखने के लिए मिल जाती है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, आप मुझे बता दीजिएगा कि कितने फीचर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है।
ताकि आप 50 रुपीज पेटीएम जीत पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ और सवाल जहां है वो भी आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।